दोस्तों, आज की कहानी है बहू रात को कोई बाहर खाना खाने नहीं जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मनमीत विदाई के बाद अपने पिया रोहन के साथ अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी अपनी गृह प्रवेश की रस्म निभा रही थी। मनमीत अपने नाम की तरह ही सबके मन को भाने वाली थी। उसकी इसी खुश मिजाजी को देखते हुए उसकी सास सरला जी ने उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय किया था, परंतु आज उसकी सास के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही थी। मनमीत ने सोचा कि शायद इकलौते बेटे की शादी की तैयारी में रोहन की मम्मी थक गई होगी, परंतु मन ही मन उसका दिल घबरा रहा था कि कहीं उसके माता पिता से शादी में कोई गलती तो नहीं हो गई। कहीं किसी रिश्तेदार ने तो कुछ नहीं कह दिया। इन सभी विचारों को झटक कर मनमीत अपने आप को संभालती है। इतने में उसकी ननद प्रिया उसे रोहन के कमरे में बड़े प्यार से ले जाती है। धीरे धीरे मनमीत और रोहन की गृहस्थी की गाड़ी चल पड़ती है। मनमीत जितनी प्यारी है उस के सासू माँ उतनी ही कड़क। सुबह से लेकर रात तक उसकी सासू माँ खाते पीते उठते बैठते उसे समझाती ही रहती हैं। शुरू शुरू में मनमीत को फिर भी ठीक लगता था, परंतु हर बात में टोका टाकी अब उसे अच्छी नहीं लगती। चाय पीने से लेकर उसके तैयार होने तक हर चीज में सरला जी की विचारधारा उससे बिल्कुल अलग थी। बहुत दिनों से मनमीत को अपनी माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। जब भी मायके जाने की बात करती, सरला जी कोई ना कोई बहाना बना देती। एक दिन मनमीत ने रोहन से कहा, रोहन, मैं कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ, आप प्लीज मम्मी को समझाओ। इस पर रोहन कहता है, मनु, इस हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। शादी के बाद तुम्हारा पहला बर्थडे है और हम सब धूमधाम से मनाएंगे। तुम अपने बर्थडे के बाद चली जाना। मनप्रीत के मन में एकदम से तनाव गहरा जाता है। वह जानती है कि उसके सासू माँ से यह खुशी बिल्कुल देखी नहीं जाएगी। वह अपना जन्मदिन खराब नहीं करना चाहती, पर फिर रोहन की प्यार की खातिर बात मान लेती है। रोहन उसे समझाता है कि उसकी माँ दिल की बहुत अच्छी है, वह मनमीत का बहुत ध्यान रखती है, परंतु वह अपनी भावनाएं किसी के सामने व्यक्त नहीं कर सकती है, इसलिए अक्सर लोग उन्हें गलत समझते हैं। मनमीत अपने मन को समझाती है कि काश यही सच हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रिया और रोहन रात को 12 बजे उसको विश करते हैं। इतने में उसकी सास सरला जी
की नींद खुल जाती है और वह रोहन के कमरे में आकर गुस्से में कहती हैं, रोहन और प्रिया ये सब तमाशा क्या आधी रात को करना जरूरी था? आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे? चलो प्रिया तुम अपने कमरे में जाओ। ये कहकर वह कमरे से बाहर चली जाती है। मनमीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं पर रोहन उसे बड़े प्यार से समझाता है और अपना दिन खराब ना करने की सलाह देता है। अपनी रूठी बीवी को मनाने के लिए रोहन मनमीत के साथ कैंडल लाइट डिनर का प्रोग्राम बनाता है। मनमीत सब बातें बुलाकर बहुत अच्छे से तैयार होती है। सरला जी को बताने के लिए वह उनके कमरे की तरफ जाते हैं। माँ मनमीत और मैं खाना खाने जा रहे हैं, आपके और प्रिया के लिए मैं क्या ऑर्डर करूँ? सरला जी अपनी कड़क आवाज में कहती हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, रात का खाना हम सब इकट्ठे घर में खाएंगे, जो ऑर्डर करना है सब के लिए घर में करो। मनमीत रोहन की तरफ देखती है और फिर सरला जी के कमरे से बाहर आकर अपने कमरे की तरफ भरी आंखों से जाती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डॉल। जैसी नजर उठाकर सामने देखती है तो दरवाजे पर उसे अपनी मम्मी पापा और भाई नजर आते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता, वह खुशी से अपनी मम्मी पापा से लिपट जाती हैं। तभी सरला जी कमरे से बाहर आकर मनमीत को बर्थडे विश करती हैं और पूछती हैं, कैसा लगा मेरा बर्थडे गिफ्ट? अपने मन से सारी शंकाओं को मिटा कर मनमीत अपनी सासू माँ के गले लग जाती है। सासू माँ के इस गिफ्ट ने उसका दिल ही जीत लिया। दोस्तों ये सस है, सास का नाम ही बदनाम होता है और ये सब हमारे समाज की देन है। बचपन से लड़की के मन में ससुराल और सास को लेकर ऐसी ऐसी बातें भर दी जाती है कि शादी के बाद उसे एक नए परिवेश में अपने आप को एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। सभी ससुराल वाले बुरे नहीं होते और ऊपर से कठोर लगने वाले लोग अक्सर मन से बहुत कोमल होते हैं। हमें किसी को ऊपरी आवरण से जज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।